वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2012 में रिलीज हो चुकी बहुत ही बिहारी मूवी ओएमजी ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ओ एम जी के बारे में जी हां ओमाई oh गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज़ वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत

डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर बोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी

हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या, क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर कर तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं है। सारी सारी यहाँ पर, है। पर हम लोग आज की बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ एम जी ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज के इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओमाई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर किसान डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज़ वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफ़ी अच्छी ख़ासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत

Definitely एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज किस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओ माई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं तो हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर, है, पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक तो जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशन देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को टली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2012 में रिलीज हो चुकी बहुत ही बिहारी मूवी ओएमजी ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं तो हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के पर कि इस मूवी का क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे के इमोशन देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को Definitely, एक मरतबा के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एन किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओ माई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत भी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को क्या क्या कुछ कुछ देखने को को मिलेगा एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशन देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहां पर आप लोगों के सामने कि की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर बोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज के इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के के बारे में। जी हां, ओ के बारे में में जी ओ गॉड हम लोग पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को Definitely एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने की गई है। आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज किस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओमाई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ 10 जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत भी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या 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 कुछ कुछ देखने को मिलेगा, क्या 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 कुछ को मिलेगा एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर बोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन कर करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने दिसक्ष वाले हैं इन तो इन तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज के इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के के बारे में। जी ओ के बारे में में जी ओ गॉड हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को Definitely, एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है तो सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ओ एम जी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज़ वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ टन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी टू परसेंट तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बहुत को भी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते तो इस मूवी के अंदर हमें यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी amazon प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी

हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ओ एम जी के बारे में जी हां ओमाई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज़ वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी एट आउट ऑफ टन जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहां पर काफी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहां पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी टू परसेंट तक जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बहुत भी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते के के है। क्या 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 है। तो इस मूवी के अंदर ही बखूबी देखने को, करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट सारी सारी करने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के के बारे में इस मूवी के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज के इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां गॉड oh के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफ़िनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी एमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल 2012 में रिलीज हो चुकी बहुत ही बिहारी मूवी ओएमजी ओ oh माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज के इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओमाई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी, अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर किसान डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज़ वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहां पर काफ़ी अच्छी ख़ासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी एमेजॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहां पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहां पर हम लोग आज किस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां गॉड oh के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी, अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफ़िनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉमेसन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज की इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओमाई oh गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी, अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के पर कि इस मूवी का क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने के इस की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां गॉड oh के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो के कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत भी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या 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 कुछ कुछ देखने को को मिलेगा एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कम्प्लीट इंफॉमेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज के इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के के बारे में। जी हां, ओ के बारे में में जी ओ गॉड हम लोग पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी, अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या 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 कुछ कुछ देखने को को मिलेगा एक्सपीरियंस करने मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को को एंड एक्सपीरियंस करने मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को Definitely एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में जी हां ओमाई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानिब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के, है? क्या -क्या क्या -क्या है। तो के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को, देखने को, को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को, को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर बल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों लो के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो, वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज वीडियो बहुत ही प्यारी ओ -जी के बारे में। जी ओ बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी, अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो, तो इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो है जी 8.1 पॉइंट वन आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जेनर पर कि इस मूवी का जेनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को टली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर वल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज़ हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी हाँ, ओ एम जी के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं तो हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डायरेक्शन पर कि डायरेक्शन पर किस, किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते तो इस मूवी के अंदर यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी ज़ुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर बोल तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं एक ऐसी मूवी जो कि आप लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद आ सकती है सारी की सारी मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि आप लोगों को काफ़ी ज्यादा पसंद भी आ सकती है आप लोगों के सामने यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ ओ माय गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फ़ाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी

हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रेजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज वेल उसी के साथ आंख मचोली एक नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज आप लोगों के सामने प्रेजेंट की की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत खूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस मूवी के जनर पर कि इस मूवी का जनर क्या है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी के अंदर हमें बहुत ही बखूबी देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए के इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई है अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी अमेज़न प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर कर तो जी अगर आप लोग भी अक्षय कुमार के फ़ैन हैं आप लोगों को अक्षय कुमार की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद हैं या फिर आप लोग कुछ कॉमेडी और फैमिली के रिलेटेड मूवीज़ वगैरह देखना पसंद करते हैं जिसके अंदर कॉमेडी भी हो ड्रामा भी हो रोमांस भी हो और भी बहुत कुछ आप लोग एक ही मूवी के अंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाई गई है आज की इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने प्रेजेंट सारी सारी करने वाले हैं यहाँ पर हम लोग आज की बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं साल दो में रिलीज हो चुकी बहुत ही प्यारी मूवी ओ एम जी ओ माई गॉड के बारे में इस मूवी के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस मूवी के बारे में ही यहाँ पर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आघा रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुँच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं हैं आज इस वीडियो को एंड बात कर लेते हैं। यहां पर आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी ओ एम जी के बारे में जी हां ओमाई गॉड के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपेक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो इस मूवी की भी कास्टिंग में हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो ऑब्वियसली देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जिन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है वो आप लोगों के सामने मूवीज़ दी हैं तो कास्टिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे अक्षय कुमार परेश रावल मिथुन चक्रवर्ती उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल रहे हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाया है और आप लोगों के सामने ये मूवी काफ़ी अच्छे से प्रेजेंट भी की है जिससे देखने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हां आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं डायरेक्शन पर किस डायरेक्शन पर किस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रजेंट किया गया है उमेश शुक्ला ने इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल किया है और आप लोगों के सामने इसे प्रजेंट भी किया है जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों के सामने रखी गई है आप लोगों को एक मरतबा एक एक चांस तो डेफिनेटली देना चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है उनमें शुक्ला ने इस मूवी की तो डायरेक्शन को संभाला ही है लेकिन उन्होंने पास्ट में भी बहुत सारी मूवीज दी हैं जिस तरह से ढूंढते रह जाओगे ऑल इज़ वेल उसी के साथ आंख मचोली एक सौ दो नॉट आउट इस तरह की बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई हैं जो कि आप लोगों को देखनी चाहिए आप लोग इन मूवीज़ को एक एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने टाइम ड्यूरेशन कितनी है हमें इस मूवी में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा क्या क्या कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है तो इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो है जी 8.1 आउट ऑफ टेन जो कि काफ़ी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड उसी के साथ हम बात करेंगे कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूज़र्स की जानब से यहां पर काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज दी गई है यहाँ पर इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से लाइक किया गया है जी सेवेंटी तक जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत ये आप लोगों के सामने की गई है। लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं तो इस मूवी के अंदर हमें यहां पर हमें थ्रिल देखने को मिलेगा कॉमेडी देखने को मिलेगी ड्रामा देखने को मिलेगा फैमिली के इमोशंस देखने को मिल जाए इमोशंस देखने को मिल जाएंगे और भी बहुत कुछ हमें इस मूवी के अंदर देखने को एंड एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जिसे देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हाँ आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं बहुत ही बखूबी यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी लेकिन उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला एंड ये मूवी जो है वो किस लैंग्वेज में बनाई गई एंड अभी कहाँ पर अवेलेबल है तो प्योर हिंदी जुबान की मूवी बनाई गई है और आप लोगों को अभी ये देखने को मिल रही है जी Amazon प्राइम वीडियो पर ये वहाँ पर अवेलेबल है आप लोग लाजमी से इस मूवी को वहाँ पर जाकर